हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। यूपी से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के सहारनपुर में एक बेटी दहेज की भेंट चढ़ गई। सहारनपुर के गंगोह में ससुरालियों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर 5 महीने पहले दुल्हन बनकर आई बहू को मौत के घाट उतार दिया। मृतक बेटी के पिता ने पति सहित सास ससुर के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। विवाहिता के पिता का कहना है कि जब वह बेटी के ससुराल पहुंचे तो वह बरामदे में मृत अवस्था में पड़ी थी। ससुराल वाले वहां से फरार हो चुके थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक सहारनपुर जिले के गंगोई कोतवाली के गांव सुखेड़ी के रहने वाले जलेंद्र ने तहरीर में कहा है कि उसने अपनी पुत्री नेहा का विवाह इसी साल 14 जनवरी को उम्मेदगढ़ के रहने वाले अंकित पुत्र प्रमोद के साथ किया था। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही पति अंकित, ससुर प्रमोद और सास उषा ने नेहा पर दहेज का दबाव बनाना शुरू कर दिया था। नेहा के कहने पर उसके ससुराल वालों को पिता ने 1,00,000 रुपए नगद दिए थे। उसके बाद भी ससुराल वाले बेटी का उत्पीड़न कर रहे थे। वहीं देर रात करीब 9 बजे उसकी बेटी का फोन आया कि ससुराल वाले उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। फोन सुनने के बाद जब वह बेटी के ससुराल पहुंचा, उसकी बेटी घर के बरामदे में मृत अवस्था में पड़ी मिली, जबकि उसके ससुराल के सभी लोग वहां से फरार थे। सीओ रिजवान अहमद का कहना है कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारनपुर, यू न्यूज़।